हेलो एवरीवन, स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ निशान शर्मा। डेपुटेशन की जो हम सीरीज लेके आए हैं उसमें हम एक और वीडियो लेके आए हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो, बिकॉज उसी के अंदर हम इस जो पोस्ट है उसकी PDF डालने वाले हैं। अगर उसमें कोई लिंक आया है जहाँ पर आपको जाके अप्लाई करना है, वो लिंक भी हम उसी पर डालने वाले हैं। तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन हमारी है स्टडी कीड़ा के नाम से, प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। हाँ जी, तो आज की जो वैकेंसी की हम बात करने वाले डेपुटेशन वाली, वो NBEMS ने निकाली है। हम उसको क्या बोलते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंस बोलते हैं। न्यू दिल्ली के अंदर ये वैकेंसी है। ये 11/7/2024 का लेटर है। ये 45 डेज के लिए आया है, तो मतलब 11/7 से अपना 11/8 और उसके अंदर 15 दिनों आप जोड़ दो तो 26, मतलब 26/8/2024 से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप, मैं तो ये बोलूँगा कि आप वीडियो देखने के तुरंत बाद अप्लाई कर दो। जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जो नोटिफिकेशन आया है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आया है। टोटल मिला के यहाँ पर 9 पोस्ट आई हैं। इसके अंदर लेवल 13 से लेकर लेवल 4 तक सारी पोस्ट हैं। आप देख सकते हो, जो हमारे साथ के लोग होते हैं वो यूजुअली लेवल 7 और लेवल 8 के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर आप टोटल मिला के अगर देखोगे तो कुछ टोटल मिला के 18 पोस्ट हैं और टोटल 36 पोस्ट आई हैं। इन्होंने इवन आगे जो पोस्ट वाइज जो इनको मतलब वो चाहिए, क्या बोले, रिक्वायरमेंट है, वो इन्होंने मेंशन की है इसके अंदर। और ये नॉन मेडिकल पोस्ट है सारी, ठीक है। एक जॉइंट डायरेक्टर की मेडिकल पोस्ट है, बाकी ये लगभग सब नॉन मेडिकल पोस्ट हैं। आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ रेपुटेशन इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ रेपुटेशन इन अदर एक्स कैडर पोस्ट हेल्ड इमीडिएटली प्रोसीडिंग दिस अपॉइंटमेंट इन द सेम और सेम अदर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल लेवल शेल ओनली नॉट एक्सिस्ट 5 ईयर। तो 5 साल के लिए ये है। ये 56 साल से ऊपर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि और क्या, मतलब जो OM बोले तो ऑफिस मेमोरेंडम है, उसके अंदर इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो देखो, पहले बात करेंगे एडिशनल डायरेक्टर की, तो उन्होंने बताया है कि मतलब 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस के अंदर, 3 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए 12 लेवल 12 के अंदर, ठीक है। लेकिन ये बड़ी पोस्ट है, ये ऑफिसर्स रैंक की पोस्ट हैं जो ऊपर की हैं। तो सेम चीज़ जो लेवल 12 है उसके अंदर उन्होंने बोला कि आपके पास लेवल 11 के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ही लेवल 12 वाला जो जॉइंट डायरेक्टर है नॉन मेडिकल की, जो 3 पोस्ट हैं उसमें भी सेम लेवल 11 के अंदर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बात करेंगे डेप्यूटी डायरेक्टर की, ये लेवल 11 की पोस्ट है, इसमें आपके पास लेवल 10 के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर आपके पास लेवल 7 के अंदर 7 ईयर्स का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आती हैं जो मेनली जिसके ज़्यादा स्टाफ रहते हैं, तो सेक्शन ऑफिसर जो है उनकी जो है लेवल 7 के अंदर 5 साल अगर पूरे हो गए तो वो लेवल 8 के लिए, मतलब एक लेवल बढ़ा के उनको मिलेगा। सिमिलरली वैसे ही जो सेक्शन ऑफिसर OL है उनको कितना होना चाहिए, उनके 5 साल अगर लेवल 6 में हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा जो लोग कॉम्पिटिशन है इस पोस्ट के अंदर रहता है, तो ये वाले लोग लेवल 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ उनके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेटर एंड एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी फॉर 3 ईयर्स। अगर हिंदी राजभाषा के अंदर काम किया होगा तो ये जो चीज़ है ना वो बहुत सारे लोगों को बायफॉगेट कर देगी। तो अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप इसको तुरंत अप्लाई कर दो। सीनियर असिस्टेंट है ये, इसके अंदर भी सेम 5 साल अगर आप लेवल 4 के अंदर हो या उसके इक्वलेंट हो तो आप लेवल 7 के अंदर जाओगे डायरेक्टली। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट हाउसकीपिंग अकाउंट्स विजिलेंस रिसर्च IT कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, किसी में भी अगर आपके 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस है, और ये यूजुअली मिल जाता है। मगर मान लो आप अगर आप रेलवे में पर्सनल डिपार्टमेंट में हो तो एस्टेब्लिशमेंट का आपको मिल जाएगा, अगर आप अकाउंट्स में हो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का आपको मिल जाएगा, विजिलेंस में काम करके आए हो। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि कई बार डेप्यूटेशन की जो पोस्ट आपने ऑलरेडी फाइल आप जो करके आए हो वो अगली डेप्यूटेशन में भी आपको हेल्प करती है। तो अगर विजिलेंस में करके आए हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे, रिसर्च में कहीं काम किया तो आप मिल जाओगे। अगर आपने रेलवे में DBS की पोस्ट में काम किया है, मैं रेलवे का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैं रेलवे से हूँ, तो अगर आप IT में हो तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो ये अगर इनमें से आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो, और आपके पास लेवल 4 में आपने अगर 5 ईयर्स लगातार ड्यूटी कर ली है, तो डायरेक्टली लेवल 7 के आप के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और सीनियर असिस्टेंट 14 पोस्ट है इसके अंदर। वैसे ही मल्टी स्किल असिस्टेंट के लिए इन्होंने बता दिया कि लेवल 2 के अंदर 5 साल पूरे होने चाहिए। द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, दिल्ली के अंदर पोस्टिंग होगी, बट लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, तो यूजली दिल्ली के अंदर बोलते हैं, दिल्ली के अंदर ही मिलती है। और ऊपर से एक बात और होती है कि डेप्यूटेशन के अंदर आपके पास एक स्पेशल खासियत रहती है कि आप जाने के बाद वापस कभी भी आ सकते हो। आप बोल दो कि मेरे से काम नहीं हो रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा, या मान लो आपको पोस्टिंग सही जगह नहीं थी, तो आप कैंसिल कर सकते हो। बहुत सारे के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन रहती है,
99.99% आपका पेरेंट कैडर, आपका पेरेंट कैडर रहता है, उससे आपको कोई निकाल नहीं सकता और वहाँ जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। यहाँ जाने के लिए आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है वो बीच में आ सकते हैं, लेकिन जब आपको वापस आना होगा तो उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप क्या एज ए गेस्ट वहाँ काम कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद द टर्म ऑफ डिप्यूटेशन इंक्लूडिंग द पे एंड अलाउंस शेल बी गवर्न बाय द प्रोविजन, तो उन्होंने बताया कि जो DOPT के लेटर है उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, तो बाकी जो लेटर है उसमें तो कुछ खास नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हो अगर आप भरना चाहो तो। अगर उसको फॉर्म फिल करना चाहोगे तो स्टार्टिंग में वही नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट कैडर किस में हो, किस स्केल में हो, बेसिक कितना है आपका, ठीक है, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रेजेंट लेवल क्या है आपका, और डेप्यूटेशन पोस्ट पे हो या आप अभी जहाँ पर पेरेंट कैडर में ही काम कर रहे हो, तो कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो वो डाल दो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ डालनी है, एक्सपीरियंस को या तो वो यहाँ डाल दो, कंप्यूटर स्किल के बारे में, लैंग्वेज के बारे में यहाँ डालना है, जो हिंदी वाला मैंने बोला था तो वो यहाँ डाल दो, बहुत डिटेल में उन्होंने एक लेटर निकाला है, ठीक है। और ये सब करने के बाद अब देखो यहाँ पर उन्होंने ग्रेडिंग भी, अपार की ग्रेडिंग भी है, आपको मैंने एक अपार के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लो अपार कितना इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग अगर आपके पास होते हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, वेरी गुड अगर होते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, गुड होता है तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, और गुड हो गया अगर एवरेज, अगर एवरेज अगर आप हो तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, और अगर आप बिलो एवरेज हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। ऐसे करके मार्किंग होती है, तो आप देख सकते हो आपके पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, तो उसी के हिसाब से ये आपका सिलेक्शन करेंगे। तो आज के लिए ये रहेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई डेप्यूटेशन पे अगर पोस्ट आती है तो हम उसको डालते रहेंगे, इससे आप जुड़े रहो। हो सकता है कि ये आप लेटर आपके काम का ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा लेटर आ सकता है, ऐसी पोस्ट आ सकती है जो जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ आप ही के पास हो या बहुत कम लोगों के पास हो, या अगर हो भी तो बहुत सारे बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आपका दिल्ली या दिल्ली के आसपास घर है या आप नॉर्थ में जाना चाहते हो तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और टिल देन जुड़े रहो स्टडी किरण से। धन्यवाद।